नमस्ते, मेरा नाम शुभम चक्कर है। मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। भाव ये है, खजूर के पेड़ के सम्मान बड़ा होने का क्या लाभ। जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए। भाव ये है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। धीरे धीरे रे मना, कुछ होए माली सीचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। भाव ये है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उदाहरण तौर पर माली पेड़ को 100 घड़ा पानी से सींच ले, परंतु ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए, समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।